कुछ सर का एलामिया जारी कर दिया, जिसके मुताबिक मसाजिद में बाजमात नमाज जारी रहेगी। तहम कोरोना वायरस का शिकार अफराद, मुश्तबा मरीज, नसला जुकाम खांसी बुखार में मुबतला अफराद, 50 साल से ज्यादा अफराद को मसाजिद में न आने की अपील की गई है। उलमा का कहना है कि ऐसे अफराद मसाजिद में ना आए, घर में नमाज की अदायगी पर उनको जमात का सवाब होगा। मसाजिद खुली खुली रखी जाएंगी, पंच वक्ता अजान व इकामत और बाजमात नमाज जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तमाम लोग वुजू घर से करके आएं, सुन्नतें घर पर पढ़कर आएं, बाद की सुन्नतें भी और नवाफिल घर पर जाकर पढ़ें। अगर तिब्बी वजूहात की बिना पर हुकूमत नमाजियों की तादाद पर कोई पाबंदी आयद करे या किसी ख़ास उम्र के मुसलमान को मस्जिद में जाने से मना करे तो शरण वो माजूर समझे जाएंगे। वायरस का शिकार, जिन्हें वायरस का शुबा है, जिनको या खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और बुखार हो, 50 साल से ज़ायद उम्र के लोग और ऐसे अफराद जिनके अमराज के इस वायरस से बढ़ जाने का ख़तरा हो, वबा के पूरे दौर में वो मसाजिद में न आए, उनको इंशाअल्लाह ताला तर्क जमात का गुनाह नहीं होगा।